हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक और एक टॉपिक को लेके एक अपना ब्रिजा पुश बटन का की प्रोग्रामिंग करेंगे ऑन टेबल, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अपना मशीन का भी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मशीन होने से अपने को क्या बेनिफिट है, ठीक है। अभी मान के चलो आपके पास ब्रिजा पुश बटन, आपके पास गाड़ी की किट आई है या उसकी चाबी गुम गई है या आप DCM चेंज करना है या ECM प्रोग्राम करना है, पर वो आपकी चॉइस है या गाड़ी के डिपेंड के हिसाब से। अभी मेरे केस में जो मेरा DCM है वो मुझे चेंज करना था, तो अभी मैं चेंज किया हूँ। और अक्सर क्या होता है, हम कैन बॉक्स के अंदर हम सिर्फ की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग नहीं कर सकते। कैन बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इंजेक्टर फेयरिंग टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्या हमारा ECM ओके है नहीं है वो हम टेस्टिंग नहीं कर सकते कैन बॉक्स में। अभी हमारे पास जो KECU टेस्टर जो है वर्जन 2, इसके अंदर हम कंप्लीट हमने जो BCM चेंज किया है वो तो इग्निशन तो ऑन कर देगा, और क्या हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है वो भी अपने को मालूम होती है अपने KECU टेस्टर रहने से। अपने को कंप्लीट कोई टेंशन की गाड़ी में अपने हम कस्टमर को दे के भेज सकते हैं। ये बेनिफिट है अपना KECU टेस्टर की मदद से हम ऑन टेबल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ऑन टेबल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कंप्लीट आपको कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो कंडीशन है वो आपको बताऊंगा। ये मैं अभी चेंज किया हूँ उसका BCM, इसका ECM लगाया हूँ, देख सकते हैं मैग्नेट मरीली का ECM लगाया हूँ, और दूसरा इसका किलेस मॉड्यूल लगाया हूँ P0 वाला, और तीसरा इसका पुश बटन लगाया हूँ, और चौथा इसका ESL लगाया हूँ, और पांचवा क्योंकि हमने कस्टमर से मीटर नहीं मंगवाया था तो जो मेरे पास मीटर है वो है अपना शिफ्ट का, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं की प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा, देख सकते हैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, कोई इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं ये इसकी चाबी है, ये इसको साइड में रखता हूँ, ये इसकी चाबी है, इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, देख सकते हैं ताले का लाइट आके स्ट्री खड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। अभी क्योंकि ये मैं DCM चेंज कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं रहेगी। अभी प्रोग्रामिंग करूँगा और अपने DP5 की मदद से। सबसे पहले मैं अपने DP5 के अंदर जूम कर लिया, एशियन में जाऊँगा, इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए, और आपका मारुति इंडियन में जाऊँगा, मारुति सुजुकी में जाऊँगा, इंटर करूँगा। जैसे आप गाड़ी के अंदर काम करते हो वैसे ही इसके अंदर भी आपको काम होगा, देख सकते हैं। अभी मैं मैनुअल सिलेक्शन मोड में चले जाऊंगा, जो मेरी गाड़ी है वो है ब्रिजा में चले जाऊंगा, ब्लेड और प्रॉक्सिमिटी का मतलब है अपना स्मार्ट की में चले जाऊंगा, ID 47 इंटर करूंगा, और की प्रोग्रामिंग में जाऊंगा, विथ पिन दो ऑप्शन अपने को देखने को मिलेंगे, हम करेंगे विदाउट पिन, प्री पिन में जाएंगे। इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है और इग्निशन तो ऑन हो नहीं सकता क्योंकि पुश बटन की गाड़ियों में जब भी हम की प्रोग्रामिंग करते हैं तो फ्यूज बॉक्स के पास आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई दे के इग्निशन को ऑन करना रहता है, ठीक है। ये अपने बेनिफिट इसके अंदर हमने डाला है, इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन तो ऑन हो नहीं सकता क्योंकि स्मार्ट की है, अभी वो भी इसके अंदर लिख के आएगा, आप उसके अंदर फ्यूज बॉक्स के पास उसको ऑन करें बोल के, वो मैं डायरेक्ट इग्निशन ऑन इधर से करूँगा, देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है, फ्यूज बॉक्स के पास आप एक वायर शॉर्ट करें 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी इग्निशन की सप्लाई आप देंगे, इग्निशन आपका ऑन होगा, ऑन होने के बाद की प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। अभी मैं इधर से 12 वोल्ट की सप्लाई अलग से नहीं दूंगा, इधर से मैं इग्निशन को ऑन करूँगा, इधर से इग्निशन को ऑन करूँगा तो मेरा जो है ताले वाला लाइट ब्लिंक करेगा, सिर्फ मेरा इग्निशन ऑन हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट मैं इग्निशन ऑन किया हूँ, जैसे हम गाड़ी में 12 वोल्ट की सप्लाई दे के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसा ही हम इधर बटन ऑन करेंगे तो सारे मॉड्यूल को 12 वोल्ट की सप्लाई चले जाएगी, ठीक है। हमने कर लिया है, इंटर करूंगा। अभी ये चाबी इसके साइड में मैं रखूंगा, नंबर ऑफ 0, इंटर, प्रोग्राम सक्सेस वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट वन, इसका मतलब ये है जो हम ये की इसके ऊपर जो रखे हैं ये प्रोग्राम हो चुकी है, और वो दूसरी चाबी आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी चाबी इसके अंदर रख के यस करें या इंटर करें। अभी मुझे सिर्फ चढ़ाना है एक चाबी, तो मैं एक ही चाबी अभी मैं करूँगा नो, बस एक ही चाबी मुझे चढ़ानी है, द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ करंट कीज वन, यानी मेरी वन चाबी चढ़ चुकी है, इंटर करूंगा, फिनिश, मेरा ये प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। और जो हम गाड़ी के अंदर वायर जो हम डायरेक्ट निकालते हैं फ्यूज बॉक्स के पास से, हम डायरेक्ट इसका वायर निकाल देंगे, ठीक है, हमने वायर निकाल दिया और इग्निशन ऑफ कर दिया। अभी मैं इधर से इग्निशन को ऑन करूंगा, फर्स्ट की ऑन हुआ, सेकेंड की देख सकते हैं, और मेरी गाड़ी भी स्टार्ट, चाबी वाला लाइट चला गया, आके तुरंत चला गया और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यही बताने का मकसद है, क्या हमारा इशू टेस्टर में हम ऐसा काम करते हैं, क्योंकि गाड़ी कहीं पे दूर रहती है तो पॉसिबल हो नहीं पाता। आप फ्री हैं तो गाड़ी के पास जाके काम कर सकते हैं, आप फ्री नहीं हैं तो ऑन टेबल काम करने का मज़ा अलग है, क्योंकि हमारा जो काम रहता है पूरा ऑन टेबल ही काम रहता है, तो हम गाड़ी पे जाने की ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऑलमोस्ट सब हम इधर ही मंगा के काम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल मेथड था स्विच बटन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और साथ ही साथ ऑन टेबल अपना के इशू टेस्टर में कैसे ये मशीन पे गाड़ी चलती है, ये सारा कुछ कंप्लीट हमने इसके साथ इंफॉर्मेशन दे दी है। देख सकते हैं अपना आरपीएम 9800 लगभग आरपीएम स्टिल खड़ा है। अभी मैं दोबारा बंद करता हूँ, गाड़ी को बंद करता हूँ, बंद हो गई। अभी मैं देख सकते हैं चाबी इधर रखने की ज़रूरत नहीं, इधर ही रखना बल्कि कुछ नहीं है, मशीन के अंदर इसका एंटीना सारा कुछ दिया है, मशीन के ऊपर रखता हूँ, देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी मैं बंद किया चाबी उधर लगी है, देखो ताले वाला लाइट अभी इधर है, अभी इसका फ्रिक्वेंसी ले रहा, अभी इधर दूर, अभी देखो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। जो अपना ESL है ये लॉक हो चुका है, देख सकते हैं लॉक हो चुका है, ताले वाला लाइट आ चुका है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ना तो इग्निशन ऑन हो रहा ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है। खिली दियो ओए, अभी चाबी आ गई, इधर रखना बोलिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट देखो कुछ चीज़ें सामने ही रखना बोलिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप मशीन के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो मशीन के अंदर जो डिज़ाइन ऐसा किया है, मशीन के अंदर ही आपको इनबिल्ड जो एंटीना होता है, एंटीना का सारा कुछ फंक्शन मशीन के अंदर डाल दिया, तो मेरे को बहुत ये एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाड़ी के अंदर दिक्कत आती है बटन के ऊपर। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ भी बताता हूँ, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक दिक्कत आती है, जो रिमोट है, रिमोट जो बटन है उसके पास लेके आने से गाड़ी स्टार्ट होएगी, इग्निशन ऑन होगा, थोड़ा दूर रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इग्निशन ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो एंटीना की दिक्कत रहती है। तो हर मैकेनिक का काम करने का अपना अपना सिस्टम रहता है, तो कोई मैकेनिक बोलते हैं भाई चाबी के अंदर दिक्कत है, कोई मैकेनिक बोलते हैं कीलेस मॉड्यूल के अंदर दिक्कत है, कोई मैकेनिक बोलते हैं स्विच के अंदर दिक्कत है, कोई मैकेनिक बोलते हैं वायरिंग की दिक्कत है, तो फार ओवर हर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी आप इसके अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।